हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में और इसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 22 जुलाई 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ इस स्टॉक में, आज मतलब 20 जुलाई को क्या हुआ इस स्टॉक में, उस बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन ये स्टॉक जो है -3.38% से डाउन यहाँ पे आया है और यहाँ पे 981.55 का यहाँ पे इसने क्लोजिंग की है। तो क्या ये आने वाले दिनों में अपसाइड मोमेंट देगा और या और भी डाउनसाइड मोमेंट देगा, उस बारे में हम बात करेंगे। आपको सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस, वो सब हम मार्क करके आपको दिखा देंगे। तो जैसे कि फिलहाल सभी आप सभी को पता है, कल के दिन, कल मतलब 21 तारीख को बकरीद है, तो यहाँ पे कल के दिन स्टॉक मार्केट बंद है। तो इसकी वजह से हम सीधा हम 22 जुलाई के बारे में बात करने वाले हैं, 22 जुलाई को क्या होगा इस स्टॉक में, उस बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे वन डे के चार्ट पे सबसे पहले देखते हैं। तो ये वन डे का जो चार्ट है उस पर आप देख सकते हैं बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे और जो वॉल्यूम है वो भी पिछले कुछ दिनों से हाई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की बात है। यहाँ पर भले ही फिलहाल अभी तो बैंक निफ्टी बहुत ही लो चल रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ही अभी फ़िलहाल वीक है, तो यहाँ पे आपको डाउन साइड मूवमेंट इसलिए बैंक्स में आपको ज़्यादा दिखने वाली है। लेकिन यहाँ पे अब बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, मोस्टली यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्सडे को यहाँ पर फ़िलहाल क्या हो सकता है और यहाँ पर आने वाले दिनों में फिर ये क्या अपसाइड मूवमेंट और देगा, कहाँ तक देगा, उस बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो इसका जो डाउनसाइड है, ये जो है 1 आवर का चार्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे कहाँ तक आपको अपसाइड मोमेंट देखने मिल सकता है, उस बारे में हम बात करते हैं, उसको भी हम मार्क करते हैं। तो ये जो है 997 जो है वो इसका जो है बहुत ही अच्छा एक अपसाइड मोमेंट है, अपसाइड यहाँ पे एक अच्छा खासा 997 तक आ सकता है और मे भी यहाँ पे 997 से भी ऊपर चले जाए, मतलब 1005 इस बीच के रेंज में यहाँ पे थर्सडे के दिन ये मार्केट में रह सकता है, स्टॉक ऐसा ही रह सकता है। और लेकिन अगर यहाँ पे थर्सडे के दिन, जैसे कि आप सभी को पता है एक्सपायरी है, तो यहाँ पे अगर कुछ डाउनसाइड मोमेंट आना हुआ तो ये डाउनसाइड मोमेंट जो है वो आपको 972 सबसे पहला जो उसका सपोर्ट है वो डायरेक्ट सपोर्ट है और फिर उसके बाद आपको 960 का जो एक सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे जाते हुए दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि ये डाउन साइड जाएगा। थर्सडे के दिन मोस्टली यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी आपको पॉजिटिव में दिखेगा क्योंकि थर्सडे को क्या है एक्सपायरी है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको एक गेम यहाँ पे थर्सडे के दिन अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बैंक, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पे मोस्टली आपको थर्सडे के दिन स्ट्रॉन्ग दिख सकता है, उस पर आपकी नज़र बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।